नोएडा शहर के सभी सम्राट नागरिक, आज मैं इसको COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी के संबंध में आपसे कुछ अनुरोध करना चाहूंगा, ताकि ग्रेटर नोएडा शहर के सभी निवासी सुरक्षित रहें और इस महामारी से बच सके। सर्वप्रथम, जैसा आप सब अवगत हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में लागू किया है, अतः ग्रेटर नोएडा निवासियों को इसको 100% सफल बनाना है। आप सब अब तक जान गए होंगे कि इसमें 99% लॉकडाउन करने से सफलता नहीं मिलने जा रही है। यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा भी अपनी नासमझी के कारण या बेवकूफी के कारण उसको लॉकडाउन में भाग नहीं लिया, तो वो व्यक्ति सभी अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सभी समाज के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे आह्वान है कि सभी निवासी इसमें पूरी तरह से भाग लें और इस लोकतंत्र को 100% सफल सुनिश्चित करें। दूसरा बिंदु, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि आजकल का बज वर्ड है। यदि किसी बिल्कुल इमरजेंसी अपरिहार्य स्थिति में बाहर जाना पड़े, या इवन घर में भी मैं कहूंगा परिवार के बाकी सदस्यों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ कि आपस में 2 मीटर, लगभग 6 फीट की दूरी बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जब कोई व्यक्ति बोलता है उसके मुंह के साथ जो ड्रॉपलेट निकलते हैं या अन्य शरीर से ड्रॉपलेट निकलते हैं, जो एक पानी के ड्रॉप, उससे फैलता है और जिसकी रेंज लगभग 1 मीटर होती है। इसलिए 2 मीटर की दूरी, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, वो बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है आपकी सुरक्षा के लिए। ग्रेटर नोएडा जहां अपनी नॉर्मल सफाई व्यवस्था लागू कर रहा है, वहां पे सैनिटाइजेशन, जो कि कोरोना वायरस को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण कारगर स्टेप है, उसकी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने काफी वृहद स्तर पर व्यवस्था करी है। जो हमारी लगभग 56 की टीमें पहले से मौजूद थी, उन सबको बड़ी संख्या में बढ़ाते हुए हमने 100 से ज्यादा टीमें पूरी अथॉरिटी में एक्टिवेट करी है, जिसके कारण हर सेक्टर, हर गांव को एक बार हम लोग सैनिटाइज कर चुके हैं। कई जगह दो दो तीन तीन बार आवश्यकता के अनुसार सैनिटाइज किया जा चुका है। ये सैनिटाइज सोडियम हाइपोक्लोराइट पानी में डालकर उसके माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से किया जाता है। आपको इस बारे में कोई भी आपका सुझाव हो तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जिसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा, उस पर दे सकते हैं। ये सैनिटाइजेशन हम सभी पब्लिक प्लेसेस, जैसे सेक्टरों में जो मार्केट प्लेसेस हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, जहां पे बेंच है, खिड़की है, स्कूल है, जहां पे ऐसा कोई मोहल्ला है जहां पे पब्लिक का काफी आना जाना लगा रहता था लॉकडाउन से पहले, ऐसे सभी जगह पर करते हैं। कृपया करके आपके इस एरिया में कोई भी आपको लगता है कि इस एरिया पर नहीं हुआ, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर इस बारे में सुझाव देना सुनिश्चित करें। इसको हम कई राउंड में इस प्रकार के सैनिटाइजेशन पूरे अथॉरिटी क्षेत्र में करेंगे। इस 21 दिन के लॉकडाउन में निश्चित तौर पर आपको चिंता होना स्वाभाविक है, किस प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था, जो आवश्यक रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध, फल, सब्जी इत्यादि, किराना की चीजें, आटा, दाल, चावल की व्यवस्था कैसे होगी, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप अपने आसपास देख लें, आपके सेक्टर में, अपने गांव में या आसपास कोई झुग्गी झोंपड़ी के क्षेत्र में कहीं ऐसे हमारे भारतीय लोग तो नहीं है जो अपनी दैनिक मजदूरी करके अपना पेट का भरण पोषण करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे, और चूंकि लॉकडाउन के कारण उनको आजकल वो रोजगार रोजाना वाला ना मिल रहा हो, तो उसके कारण कई बार उनको खाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे लोगों की भी मदद करना अति आवश्यक है। हमारे अनुरोध पर यहाँ पर बहुत सारी RWS द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, इंडस्ट्रियल हाउसेस द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जहां पर ऐसे व्यक्तियों को या तो खाना खिलाया जाता है या उनको दाल चावल का एक सामान उपलब्ध करा दिया जाता है। और यदि आपके आसपास भी ऐसे कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई परिवार है, तो मेरा अनुरोध है कि आपस में मिलजुल कर स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, दानी पुरुषों के माध्यम से, अपनी जो है RW के माध्यम से, वो ऐसे व्यक्तियों की देखभाल ऐसे कठिन समय में जरूरी कर लें, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का हर धर्म भी
हमें इस प्रकार के दान पुण्य के बारे में सिखाता है। शहरवासियों के लिए जो जरूरत की आवश्यकताएं उनकी पूरी होती रहे, उनको रोजाना जो है खाने की आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना जिसमें आटा, दाल, चावल, दालें इत्यादि शामिल है, वो उनको मिलती रहे, उसके लिए हमने व्यवस्थाएं बनी है। जब अचानक लॉकडाउन शुरू हुआ था, पहले दिन कुछ लोगों को कार्य करने से रोक दिया गया था, पुलिस द्वारा अपने अंडरस्टैंडिंग के था, परंतु जिला पुलिस प्रशासन ने इसमें मीटिंग करी और अगले दिन ही जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी व्यापक व्यवस्थाएं बनाई गई है, जिसके माध्यम से अब ऐसी सभी कड़ियों को पुनः से सुचारू रूप से संचालित कर दिया गया है। इससे पहली कड़ी है ऑनलाइन चैनल ई टेलर्स के माध्यम से होम डिलीवरी सुनिश्चित करना। हमारे द्वारा उन सभी ऐसी सभी संस्थाएं जिसमें आपको कुछ नाम यदि मैं बोलूं तो जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ग्रोफर, बिग बास्केट और बहुत से नाम है। दूध के क्षेत्र में मिल्क बास्केट, मदर डेयरी, परम दूध, इस तरह की एजेंसियां हैं, उन सबको ये एनेबल कर दिया गया है। उनके द्वारा जारी किए गए आई कार्ड को ही पास की मान्यता जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है और वो सभी से उनके द्वारा होम डिलीवरी प्रारंभ कर दी गई है। इनके हेल्पलाइन नंबर जगह जगह पर उपलब्ध है, आप इनके माध्यम से होम डिलीवरी सुनिश्चित कर सकते हैं। और होम डिलीवरी भी कॉन्टेक्टलेस होम डिलीवरी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको बोलूंगा। जो किराना की, फल सब्जियों की या दूध की, कल स्वयं मैंने भ्रमण किया था पूरे अथॉरिटी क्षेत्र में, 80-90% दुकानें कल खुल चुकी थी, सामान्य तौर पर काम कर रही थी। उनको भी हमने इनकरेज किया है कि वो होम डिलीवरी सुनिश्चित करें। यदि उनके पास कोई एजेंट है या वॉलंटियर्स की एक व्यवस्था बनाई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उसके माध्यम से होम डिलीवरी सुनिश्चित करें। अपरिहार्य स्थिति में यदि आपको जाना पड़े तो इन सभी शॉप्स के बाहर हमारे द्वारा 2 मीटर की दूरी पर सर्कल्स ड्रा कर दिए गए हैं, सभी शॉपकीपर्स को एनकरेज किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। दूध के बारे में व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं। फल व सब्जी के बारे में ठेला, पटड़ी किनारे के सब्जी दुकानदार, बड़े बड़े जो स्टोर हैं, सभी को संचालित करवा दिया गया है। उनकी जो पीछे की सप्लाई चेन है, मंडी से कैसे फल और सब्जी पहुंचेगा, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे उन तक पहुंचाएंगे, उनके बारे में भी समस्त व्यवस्थाएं जिला पुलिस प्रशासन व अथॉरिटी द्वारा की जा रही है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न हो। मिल्क के बारे में हमने कई एजेंसियों से बात करी है, वो आपको होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। इसमें आपके RWO के प्रेसिडेंट्स, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स या उस एरिया में रहने वाले वॉलंटियर्स को सामने आना होगा, ताकि वो व्हाट्सएप इत्यादि चैनलों के माध्यम से घर में बैठे हुए सभी ऑर्डर्स को एकत्रित कर सके। और जो हमने नंबर प्रसारित किए हैं यहाँ के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से, उन नंबरों पर मिल्क सप्लायर्स को अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। अगले दिन मिल्क सप्लायर्स एक जगह पर RWO के गेट पे, बिल्डर सोसाइटी के गेट पे, आपकी सिक्योरिटी आपकी सोसाइटी के गेट पर वो दूध के पैकेट डिलीवर कर देंगे। उसको आप घर घर कॉन्टेक्टलेस माध्यम से आप उसको कृपया करके डिलीवर करवा दें। हम आपको ये एश्योरेंस करते हैं कि आपको इस प्रकार की आवश्यक वस्तुओं में, इवन दवाइयों को भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होने। कॉन्टेक्टलेस होम डिलीवरी एक नई चीज हमको सीखनी होगी। यदि कोई डिलीवरी बॉय आपके घर पर सप्लाई करने आता है, तो ऐसी व्यवस्था बनाएं कि दूर से खड़ा होकर वो सप्लाई करने वाली आपको जो चीजें हैं, दूध है, घर की वस्तुएं हैं, खाने पीने का सामान है, दूर से रख दे। आप 2 मीटर दूर खड़े रहे, दूसरी तरफ आप पैसा रख दे, फिर एक व्यक्ति आकर उसको उठा ले, फिर दूसरा व्यक्ति उसको उठा ले। 2 मीटर की दूरी हमेशा बनाए रखें। ये कॉन्टेक्टलेस होम डिलीवरी भी बहुत जरूरी है। ऐसे में वॉलंटियर्स, स्वयंसेवी संगठन बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, इसलिए हमने उन सब का भी सहयोग लिया है। और भी जो स्वयंसेवी संगठन, इंडस्ट्रियल हाउस, इसमें सहयोग करना चाहते हैं, वो अथॉरिटी पे हेल्पलाइन नंबरों में हमारे अधिकारियों से संपर्क करें। वॉलंटियर्स की एक व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने हर सेक्टर में एक चीफ वॉलंटियर, एक उसका सब वॉलंटियर बनाया है, कई सेक्टरों में बना दिया, कईयों में हम बनाने जा रहे हैं। उसको भी हमने कहा है कि अपनी 8-10 वॉलंटियर्स की टीम को बना ले। ज्यादातर जगह हमने RWO के प्रेसिडेंट साहब से अनुरोध किया है कि वो इस वॉलंटियर को नामित करें। ये वॉलंटियर एक मजबूत नौजवान हो जाना चाहिए जो 24 घंटे कार्य कर सके, प्रेफरेबली उसके पास अपना व्हीकल हो ताकि सेक्टर के अंदर होम डिलीवरी वगैरह कर सके।
उसको हमने कई प्रकार के काम सौंपे हैं। जैसे हमने कहा कि अपने सेक्टर में, अपनी सोसाइटी में यदि कुछ बुजुर्ग लोग किले में रहते हैं तो उनकी लिस्ट बना लें, उनको रोजाना फोन करके उनका हालचाल पता कर लें, कोई उनकी आवश्यकता है दवाई की, कोई उनको होम डिलीवरी कुछ करानी है उसकी हेल्प कर दें, उनका हालचाल पता कर लें। इसी प्रकार से ये होम डिलीवरी हमने बताया, इसका पूरा आवश्यकता इसलिए है कि लोग घर पर बने रहें, लॉकडाउन को लागू करें, केवल एक व्यक्ति मूव करे, वो दुकान से लाकर सब्जी, दवाई, दाल, आटा, चीनी आपको उपलब्ध करा दे। ये वॉलंटियर्स की व्यवस्था में भी जो लोग सहयोग करना चाहें हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर हमें ये डाल सकते। मैं आखिर में कुछ जो सावधानी आपको बरतनी है, यदि अब तक आप सबको पता होगा, परंतु मैं फिर बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम साबुन से बार बार, जब भी आपको समय मिले, जब आप बाहर से आए या आप कुछ यूज करें, किसी सरफेस टच करें, तो आप साबुन से, किसी भी अच्छे साबुन से कम 20 से 25 सेकंड हाथ धोएं, क्योंकि ये वायरस है, बेसिकली प्रोटीन है, वो प्रोटीन 20 सेकंड साबुन से जब उसको रगड़ा जाता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, एक तरह से उस वायरस का नाश हो जाता है। यदि कोई संभावना है कि आपके हाथ पर वायरस लगा है तो उसका नाश हो जाए, परंतु 20 सेकंड का फॉर्मूला जरूर रखें, क्योंकि 20 सेकंड में वो नाश होता है। ये वायरस, कोरोना वायरस, आपके शरीर में आपकी आंख, आपके नाक, आपके मुंह के माध्यम से एंटर करता है, इसलिए अपने हाथ को, अपने चेहरे से, अपने आंख, कान, नाक को टच ना करें, ये हमारी सबकी सामान्य आदत रहती है, इस आदत को भी बदलना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया, हर समय परिवार के सदस्यों से भी 2 मीटर की दूरी, 6 फीट की दूरी बनाए रखें। अगर बाहर निकलते हैं किसी किसी बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में, तो 2 मीटर की दूरी बहुत जरूरी है। इसके जो लक्षण है इस बीमारी के, उन पर भी ध्यान दें, किसी को बुखार हो, किसी का गला खराब या खांसी की शिकायत हो, या सांस फूलती हो, वो और भी कई बीमारियों के लक्षण है या इसके भी लक्षण हो सकते हैं, उस दशा में अपने नजदीकी डॉक्टर, नर्स, किसी हेल्थ वर्क से संपर्क करें और उसकी एडवाइस के हिसाब से चलें। साथियों, ग्रेटर नोएडा निवासियों, आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि इसकी अभी तक सभी साइंटिस्ट वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसकी दवाई की खोज करने के लिए, बहुत जल्दी इसमें सोल्यूशन मिलेंगे, परंतु आज की डेट में इसका बचाव तो संभव है, इसका उस तरह से इलाज नहीं। खासतौर पर बुजुर्ग लोगों को, 60 साल से उम्र के अधिक लोगों को ये बीमारी बहुत अधिक इफेक्ट करती है। बाहर की दुनिया में जितनी मृत्यु हुई है उनमें से 90% से अधिक 60 वर्ष के अधिक के लोगों की है, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। और इसमें यदि आप अपना बचाव करते हैं, आप अपना ही बचाव नहीं करते, आप अपने परिवार का, अपने समाज का, भारतवर्ष का, भारतवर्ष के सभी नागरिकों का आप बचाव करते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप 21 दिनों में आप अपने घर पर बने रहें और किसी दशा में बाहर ना निकलें। कुछ क्रिएटिव चीजें आप घर पर कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रेटर नोएडा, हमारे प्रधानमंत्री जी वह हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए, उनके द्वारा जो इस सब बारे में प्रयास किए जा रहे हैं उसमें अपना योगदान देगा, और भारतवर्ष और ग्रेटर नोएडा बहुत जल्दी इस बीमारी के प्रकोप से बाहर आ सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।